हेलो एंड वेलकम टू ओमेगा स्टडी ऑनलाइन। इस वीडियो में देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अंतर वाले प्रश्न यानी कि डिफरेंस वाले जो प्रश्न होते हैं कि इसमें उसका डिफरेंस बताइए, इसको कैसे लिखें। देखिए इसमें आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। कई लोग क्या होते हैं कि जो आपका डिफरेंस वाले प्रश्न हैं उसको एक डिफरेंस ऊपर में लिखेंगे, फिर दूसरा डिफरेंस जो होता है वो चार पाँच लाइन के बाद नीचे में लिखना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं लिखना चाहिए। इसका एक अच्छा सा प्रूफ ये है कि देखिए यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है जो कि 2019 में 70 में 70 मार्क्स प्राप्त किए थे केमिस्ट्री में, ठीक है, रसायन में इस स्टूडेंट को 70 में 70 मार्क्स मिले थे, उसका ये आंसर फिट है। देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है इसको एक ब्लॉक बनाकर। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी जो कोलाइड है उसमें अपन को डिफरेंस बताना है। तो आपको क्या करना है, पहले उत्तर क्रमांक लिखना है जो भी प्रश्न है उसका, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपको हेडिंग देना है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में निम्न अंतर होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। फिर आपको एक दो आपको ब्लॉक बनाने लगा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। उसके बाद आपको नंबर वाइज 1 2 3 4 करके आपको आपको ये डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपका 3 मार्क्स के हैं, इन्होंने देखिए कितना डिफरेंस बताया है, तो इन्होंने फिर 4 डिफरेंस लिखा है, मतलब 4 सफिशिएंट है। तो आपको ऐसा तीन नंबर के जो प्रश्न है उसमें 3 से 4 डिफरेंस आपको लिखना है, इनके पूरे 3 में 3 मार्क्स मिले हुए हैं। इस तरफ अपन जब लिखते हैं तो चेक करने वाले को भी सुविधा होती है चेक करने में। तो आप जो है डिफरेंस वाले प्रश्न को एक ऊपर एक नीचे करके ना लिखें, इसी प्रकार से ब्लॉक में बना करके लिखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।